पाक ने लगाई अत्याधुनिक भारतीय रुपए में सेंध, अब सुरक्षित नहीं रह गया 2000 रुपए का नोट। यह नकली नोट किसी भी अमीर व्यक्ति को कंगाल बनाने के लिए काफ़ी है। कहीं यही नकली नोट तो आपकी जेब में नहीं पड़ा है? अपने आप को इस नकली नोट से सुरक्षित रखने के लिए और इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन की सबसे ज़रूरी खबर हो सकती है। पाकिस्तान से भारत में झोंके जा रहे 2000 रुपए के नए नोट की ताज़ा खेप की जब्ती ने हिंदुस्तानी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। इस खेप में सप्लाई किए जा रहे 2000 रुपए के नोट में पाकिस्तानी तंत्र ने उन सभी सुरक्षा इंतजामों की हूबहू नकल कर ली जो बिना किसी सरकारी मदद के मुमकिन ही नहीं है। सच तो यह है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में छपकर भारतीय बाज़ार में लाकर झोंके जा चुके 2000 रुपए के इन नकली नोट और भारत के असली नोट में फ़र्क करते हुए भारतीय एजेंसियों और दिल्ली पुलिस भी चकराने लगी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में जब्त किए गए नकली नोटों की खेप की जांच के बाद यह साबित हो रहा है कि एक सबसे बड़ी साजिश के तहत पाकिस्तान का सरकारी तंत्र भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए हाई क्वालिटी के जाली भारतीय नोट थोक के हिसाब से छाप रहा है। जांच में पता चला है कि कराची के मलीर हाल्ट इलाके में स्थित पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में छापे जा रहे इस जाली नोट में भी पहली बार ऑप्टिकल वेरिएबल इंक का इस्तेमाल किया गया है। यह विशेष प्रकार की स्याही 2000 रुपए के नोट के धागे पर इस्तेमाल होती है। इस इंक की खासियत यह है कि यह नोट पर हरे रंग की दिखाई देती है। नोट की दिशा ऊपर नीचे करने पर इस स्याही का रंग बदलकर खुद ब खुद नीला हो जाता है। सूत्रों के मुताबिक 6 महीने पहले तक पकड़े जा चुके जाली नोटों की खेप में इस इंक का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक यह खास किस्म की स्याही एक विदेशी कंपनी बनाती है जिसकी आपूर्ति सिर्फ चुनिंदा देशों की सरकारों को ही की जाती है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार की मदद के बगैर इस इंक का इस्तेमाल जाली भारतीय नोटों को छापने में नहीं किया जा सकता है। ऑप्टिकल वेरिएबल इंक के इस्तेमाल से अब यह स्पष्ट हो गया है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सह पर ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी प्रेस में भारत की जाली मुद्रा धड़ल्ले से छप रही है। छपने के बाद भारत में इनके वितरण के लिए कराची में बैठे भारत के मोस्ट वांटेड डॉन दाऊद इब्राहिम के कंधों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और भारतीय खुफिया एजेंसियों की संयुक्त जांच में यह खुलासा हुआ है कि इस वक्त चलन में अत्याधुनिक भारतीय मुद्रा यानी कि नोटबंदी के बाद छापे गए 2000 और 500 के नए नोट एक और प्रमुख सिक्योरिटी फीचर भी पहली बार ISI के गुर्गों ने हूबहू नकल कर ली। 2000 के नए भारतीय नोट के एकदम बाईं और दाईं ओर के किनारे में ब्लीड लाइनें खींची गई हैं। ये 7 लाइनें असल में विशेष रूप से नेत्रहीनों को नोट की पहचान आसानी से कराने में सहायक होती हैं। यह भी उच्च भारतीय तकनीक का ही कमाल है कि नोट को गोल आकार में मोड़ने पर इन लाइनों के आपस में सधे हुए तरीके से मिल पाना अब तक लगभग नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन अब पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी द्वारा किए गए इस फर्जीवाड़े में इन लाइनों का मिलान कराना करीब करीब संभव सा ही हो गया है, जो कि उच्च क्वालिटी की असली भारतीय मुद्रा के लिए आने वाले समय में बेहद घातक साबित हो सकता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि बीते 6 महीने में ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत में जब्त FICN यानी कि फेक इंडियन करेंसी नोट 2000 के भारतीय नोट में, जो 24 अगस्त को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के सहायक पुलिस आयुक्त अतर सिंह की टीम द्वारा जब्त किया गया, में अधिकांश हाई सिक्योरिटी फीचर मौजूद मिले हैं जो कि आने वाले समय में भारतीय खुफिया जांच एजेंसियों सहित भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा घातक सिद्ध हो सकता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के अकाउंट ने अब कराची की सरकारी प्रेस में छापे जा रहे जाली भारतीय नोट के निचले हिस्से में दाईं तरफ छपे सीरीज नंबर की भी नकल कर ली है। इसकी एक बानगी हाल ही में जब्त किए गए 2000 रुपए के नकली नोट में देखने को मिली है। इस नोट पर 7FK सीरीज छपा है।
अब तक जाली नोटों पर इन अत्याधुनिक तकनीक के फीचर्स का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होता था। इन फीचर की खासियत होती है कि कोई भी नंगी आंखों से भी आसानी से भारतीय नोट के असली और जाली होने की पहचान कर सकता था। वर्ष 2016 में हुई नोटबंदी के बाद से पाकिस्तान से नकली नोटों का आना काफ़ी समय तक तकरीबन बंद रहा। हालांकि इसी साल जून के पहले ही सप्ताह में नेपाल की पुलिस ने काठमांडू स्थित त्रिभुवन हवाई अड्डे पर करीब 7.67 करोड़ रुपए के जाली भारतीय मुद्रा की बड़ी खेप पकड़ी थी। काठमांडू में जाली भारतीय नोट की उस बड़ी खेप की जब्ती से भारतीय खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई थीं। भारतीय जाली नोटों की इतनी बड़ी खेप पकड़े जाने के दौरान ही यह बात भी निकल कर सामने आई थी कि अब पाकिस्तानी अकाउंट ने नेपाल के रास्ते न भेजकर कतर के रास्ते जाली नोट भारत में झोंकने का नया रूट तलाश लिया है, ताकि भारतीय खुफिया एजेंसियों की आंखों में धूल आराम से झोंकी जा सके। राजस्व सूचना निदेशालय के एक अधिकारी ने कहा कि स्पेशल सेल द्वारा हाल ही में जब्त किए गए नोट ज़्यादा अपग्रेडेड वर्जन के FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट हैं। इससे लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी जो सिर्फ फेडरल सरकारों को ही ऑप्टिकल वेरिएबल इंक की सप्लाई करती है, वह आर्थिक रूप से भारत की कमर तोड़ने के षडयंत्र में जुटी पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने उस कंपनी से भी हाथ मिला लिया है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक है। यह उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुमार सिंह कुशवाहा की अगुवाई में सहायक पुलिस आयुक्त अतर सिंह की टीम ने 24 अगस्त को दिल्ली के नेहरू प्लेस में डी कंपनी के एजेंट असलम अंसारी को धर दबोचा था। असलम अंसारी के पास से 2000 के नोट वाली करीब 5.5 लाख जाली भारतीय मुद्रा जब्त की गई थी। असलम मूल रूप से नेपाल का रहने वाला था। असलम से बरामद नोट गहराई से देखने पर भी जब असली ही लगे तो भारतीय गुप्तचर एजेंसियां और नोट जब्त करने वाली दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के सदस्यों का उन सबको लगा कि कहीं उन्होंने जाली समझकर असली भारतीय नोट ही तो जब्त नहीं कर लिए। खुद की आंखों पर विश्वास न होने पर जाली नोट पकड़ने वाले विशेषज्ञों द्वारा पहचान किए जाने के बाद ही असलम की आधिकारिक गिरफ्तारी पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज की। तो दोस्तों, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल GOB News को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए।